हेलो पाइसिस, पाइसिस यानी मीन राशि। मैं सूर्य स्कॉर्पियो फ्लैशिंग बिटा रहे से। तो आज हम पाइसिस यानी मीन राशि के लिए जो सिंगल है या अनमैरिड या कुंवारे हैं या किसी भी रीज़न से, चाहे वो डाइवोर्स ही रहे हैं, चाहे विडो या विडो बन रहे हैं, रीज़न कोई भी रहा है या रिश्ता ख़त्म हो चुका है लेकिन अपने आप को सिंगल ही मानते हैं, तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। और जनरल होने के कारण मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। ये 23 से लेकर 30 जून तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग है। सनसाइन, मून साइन या नाम राशि जिससे चाहे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपका रिसेंट पास देखेंगे, फिर प्रेजेंट करंट एनर्जी देखेंगे, और इन दिनों कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आपका पार्टनर बनने के लिए आ रहा तो एनर्जी क्या रहेगी। और अगर आप किसी पास्ट पर्सन से डील करते थे, अटैचमेंट या लव या रिलेशनशिप में थे, तो उनकी वापस आने की एनर्जी क्या है। और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो आपका रिसेंट पास देखते हैं, पाइसिस कैसा रहा है। द वर्ल्ड, टू ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ वॉन्ड्स। तो पाइसिस आपका रिसेंट पास्ट बता रहा है कि कहीं ना कहीं आप जगलिंग फेज में रहे हैं, जगल करते रहे हैं। आप, हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई पर्सन हो, वो विदेश में हो, फॉरेन में जॉब करता हो, लॉन्ग डिस्टेंस आप दोनों के बीच में रहा है, या फिर आप फॉरेन में हैं, फॉरेन से ही कोई रिश्ता हो, आप फॉरेनर हो या फिर आपके पार्टनर फॉरेनर हो, कोई भी ऐसा लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से आपको एक तरफा लगा कि आपको इस रिश्ते में वापस जाना चाहिए, दूसरी तरफ आपको लगा कि आपको अपने जॉब, बिजनेस, एडवेंचर की तरफ ध्यान देना चाहिए। आप कभी आप उसी पर्सन का वेट और इंतज़ार करते रहे जो अभी आपकी लाइफ में नहीं है, जो जा चुका है, जो फॉरेन में या दूसरे स्टेट में या दूरियां बनाई हुई हैं, जो डिस्टेंस बना हुआ है। तो वेटिंग पीरियड में आपका पास्ट, रिसेंट पास्ट बीता दिखाई दे रहा है। हालांकि आपके पास और अपॉर्चुनिटी भी थी लेकिन आप उसी पर्सन का वेट और इंतज़ार करते रहे हैं जो आपसे दूर जा चुका था, या फिर कोई ऐसा पर्सन आपको नहीं मिला जो आपको स्टेबिलिटी दे सके, जिसके साथ आप फौरन के सपने देख सकें, एक नई उड़ान भर सकें, या फिर उनकी मतलब कुछ भी ऐसी चीज़ें जो आप चाह रहे थे वो कहीं ना कहीं होती दिखाई नहीं दी, इसलिए आप जगलिंग करते दिखाई दिए हैं। तो हालांकि आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी थी लेकिन हो सकता है कि जिस पर्सन का आप वेट कर रहे हैं वो फॉरेनर है, फॉरेन में जॉब करता है, या लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से आप कंफ्यूजन में रहे हैं। देख लेते हैं प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी क्या बता रही है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी बता रही कि कहीं ना कहीं आप पैसे को लेकर ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस में हैं। या तो आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं या तो आपके पार्टनर ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, वो मतलब रिश्ते की जगह पैसे को, प्रॉपर्टी को ज़्यादा अहमियत देते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि दोनों तरफ प्यार और प्रेम अभी भी है, अटैचमेंट है, फीलिंग है, लेकिन कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस की वजह से इस रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें प्रेजेंट करंट एनर्जी में दिखाई दे रही हैं। लेकिन क्योंकि प्यार और प्रेम है अभी भी, तो आप सोच रहे हैं, आप महसूस कर रहे हैं कि चाहे आपके पार्टनर ने आपको कितना ही धोखा दिया है, उस पर्सन ने कितना ही धोखा दिया है, आप उठेंगे, चलेंगे और इस रिश्ते को आगे बढ़ाने का एक मौका और देंगे, क्योंकि आप इस उम्मीद के साथ उठना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं कि जैसे अंधकार के बाद उजाला होता है, अंधेरी रात के बाद रोशनी, सुबह सुबह रोशनी पर बात की किरण होती है और रात के बाद दिन होता है, तो दुखों के बाद खुशियां आती हैं। तो इसी उम्मीद, उसी होप के साथ, चाहे उन्होंने आपके साथ कितना ही
परेशानी दी है, कितना ही दुख तकलीफ दिया है, लेकिन आप इस उम्मीद के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, शुरुआत करना चाहते हैं कि एक ना एक दिन खुशी जरूर आएगी, दुख के बादल छटेंगे और चीज़ें आगे बढ़ेंगी। तो इस तरह की प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी दिखाई दे रही है। ऐसा या तो आप सोच रहे हैं या तो सामने वाला ऐसा कुछ सोच रहा है। देख लेते हैं अगर कोई नया पर्सन इन दिनों आपका लाइफ पार्टनर बनने के लिए आ रहा है इन 6-7 दिनों में, तो एनर्जी क्या रहेगी, नए पर्सन की एनर्जी क्या है। किंग ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक द डेविल। तो हो सकता है कि जिसके साथ आप रिलेशन में रहे हैं, हो सकता है कि पास्ट के किसी पर्सन को आप जानते हों जो जिसकी वजह से ओवरथिंकिंग ओवर कंट्रोल में है, आप काफ़ी नेगेटिविटी महसूस कर रहे हैं, आप महसूस कर रहे हैं कि आपकी भावनाओं के साथ खेला गया है, अब वो आपके साथ लॉयल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, कोई ओवरथिंक कुछ गैम्बलिंग स्मोकिंग ड्रिंकिंग नेगेटिव लोगों में बैठना नेगेटिव सोचना एनवायरनमेंट को दूषित करना इस तरह की नेगेटिविटी रही है। या तो आप ऐसा फील कर रहे हैं या तो सामने वाला ऐसा फील कर रहा है, लेकिन उससे आप बाहर आने के बारे में सोच रहे हैं। आपको लगता है कि जब तक आप उन चीज़ों अपनी विल पावर नहीं बढ़ाएंगे, अपने आप स्ट्रांग नहीं बनेंगे, मजबूत नहीं बनेंगे, आप अपने जब तक आप डरते रहेंगे घबराते रहेंगे जब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे। इसलिए आप एक जो भी पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है वो आपसे प्यार मोहब्बत करता है, लेकिन वो आपसे बातें करने में ही हिचक रहा है। कहीं ना कहीं प्यार है, प्रेम है, एनर्जी है, सब कुछ है, लेकिन वो कमिटमेंट वगैरह करने से कतरा रहा है। इमोशंस हैं लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, क्योंकि ये एनर्जी इमैच्योर हो सकती है, एक बच्चे वाली एनर्जी हो सकती है। तो इसमें आपको सोच विचार करके जब तक ये एनर्जी आप एक बिगिनिंग एक शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन जब तक ये एनर्जी मैच्योर नहीं हो जाती तब तक आप धीरे धीरे करके आगे बढ़िए, जंप मत लगाइए और इनके साथ शुरुआत कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन जंप नहीं लगाना है। और जब ये एनर्जी मैच्योर हो जाएगी तो तभी आप इनसे लव रिलेशन के बारे में, शादी वगैरह के बारे में बातें कर सकते हैं। अभी ये काफ़ी इमैच्योर हैं, नादान हैं, तो धीरे धीरे करके आप इनके साथ चलिए, घूमिए फिरिए, और अदरवाइज़ ये रिश्ता आगे जाकर आपके लिए परेशानी दे सकता है, टॉक्सिक हो सकता है, ओवर कंट्रोल ओवर थिंकिंग हो सकती है। तो इससे आपको हो सके तो जितना हो सके आपको बचने की ज़रूरत है, या इस नेगेटिविटी को ख़त्म करने के लिए आपको इसको ख़त्म करते हुए आपको आगे बढ़ना है। अदरवाइज़ आप परेशान रह सकते हैं, सामने वाले को परेशान रख सकते हैं, या कोई सामने वाला पर्सन कोई ऐसा है जो काफ़ी नेगेटिव है। तो आपको बहुत सोच विचार करके ही अपनी विलिंग पावर बढ़ानी है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग और मजबूत करना है, तभी आप इस रिश्ते के बारे में सोच सकते हैं, अदरवाइज़ आपको प्रॉब्लम हो सकती है आगे जाकर। देख लेते हैं अगर इन दिनों कोई पास्ट पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ रहा है तो उसकी एनर्जी क्या रहने वाली है। अगर आप किसी से डील करते थे, अटैचमेंट या लव रिलेशन में थे, तो उनकी वापस आने की एनर्जीज क्या है। जस्टिस, टू ऑफ वांड्स एंड जजमेंट। जी हाँ, जो भी आपका पास्ट में जो भी पर्सन है वो आपका वेट और इंतजार कर रहा है, या तो आप उनका वेट और इंतजार कर रहे हैं या
वो आपका वेट और इंतज़ार कर रहा है कि कब आप उनकी तरफ आगे बढ़ेंगे। हालांकि उनकी लाइफ में और ऑप्शन भी हैं, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ वो आपका वेट और इंतज़ार कर रहे हैं कि कब आप एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे, कब इस रिश्ते में उन्हें जस्टिस मिलेगा, न्याय मिलेगा, या फिर डाइवोर्स मिलेगा, छुटकारा मिलेगा। मतलब कुछ ना कुछ वो ऐसा चाहते हैं कि इसमें या तो डाइवोर्स हो या फिर एक दूसरे से माफ़ी मांगें, एक दूसरे को माफ़ कर दें और इसमें जस्टिस मिले, ये रिश्ता न्यायप्रिय बने, आगे बढ़े, खुशियां आए और सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट और इंतज़ार करना चाह रही हैं। वो चाहते हैं कि वो वेट कर रहे हैं कि कब एक दूसरे उनकी जो अभी तक उनकी विश फुलफिलमेंट नहीं हुई है, जिस चीज़ के लिए वो मन्नत मांग रहे हैं, बहुत दिनों से वेट और इंतज़ार कर रहे हैं कि कब वो गिले शिकवे ख़त्म होंगे, कब ऐसा दिन आएगा कि गड़े मुर्दे ना उखाड़े जाएं, एक दूसरे को माफ़ कर दें, एक दूसरे से माफ़ी मांग लें और बिना हार माने, बिना गिव अप करें, एक दूसरे के साथ मेल जोल बढ़ाएं और रीयूनियन रिकॉन्सिलेशन करें। तो जो पास्ट पर्सन है वो आपके साथ रीयूनियन रिकॉन्सिलेशन चाहता है, सही समय का, सही वक्त का वेट और इंतज़ार कर रहा है कि कब आप आगे बढ़ेंगे, कब उन्हें जस्टिस मिलेगा, कब उन्हें न्याय मिलेगा और कब वो खुशियाँ वापस आएंगे, कब ये रिश्ता न्यायप्रिय बनेगा। तो थोड़ा सा समय और वक्त लग सकता है क्योंकि ये बैठी हुई एनर्जी है, लेकिन या तो आप उनके पास जा रहे हैं या तो फिर वो आपके पास आ रहे हैं, आप वेट और इंतज़ार कर रहे हैं सही वक्त का, सही चीज़ों का। आप रीयूनियन रिकॉन्सिलेशन इस रिश्ते में चाहते हैं और गेट टुगेदर चाहते हैं, उन चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं जिसकी वजह से इस रिश्ते में आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम आई है। आप चाहते हैं कि जिसने जैसा जो कर्म कांड किया है उसके अकॉर्डिंग ही उन्हें फल मिले। अगर वो नहीं इस रिश्ते में आना चाहते तो उन्हें डाइवोर्स मिले, और अगर इस रिश्ते में आना चाहते हैं तो एक दूसरे को माफ़ करते हुए इस रिश्ते में रीयूनियन रिकॉन्सिलेशन हो। तो देख लेते हैं इसका जो है यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस है। द मून, द चैरियट एंड नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स। यूनिवर्स ये गाइड करना चाहते हैं कि आप अपने अननोन फियर से, अपने डर से, अपने भय से बाहर निकलिए। अभी आप जो है सैड है, सैडनेस है, उदासी है, आपको बार बार एहसास हो रहा है कि कोई चीटिंग, कोई फ्रेब, कोई धोखाधड़ी आपके साथ हुई है, तो उस एंजाइटी से, उस स्ट्रेस से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। आपकी वजह से आपका जो है फैमिली प्रॉब्लम्स चली हुई हैं, यानी कि आप अगर इस रिश्ते से डाइवोर्स चाहते हैं, इस रिश्ते से को ख़त्म करना चाहते हैं, तो इसमें आपको परिवार और फैमिली का सपोर्ट नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर आप गिव अप नहीं करेंगे, हार नहीं मानेंगे, तो डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़ेंगे, तो जो भी आप चाहेंगे, जैसा भी आप चाहेंगे, अगर आप डाइवोर्स चाहते हैं तो आपको डाइवोर्स मिलेगा, और अगर आप इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, रीयूनियन चाहते हैं, तो इस रिश्ते में रीयूनियन होगा। आप अपनी हिम्मत मत हारिए, करेज के साथ, हिम्मत और साहस के साथ इन अननोन फियर से, इन डरावने सपनों से बाहर निकलिए। बाहर वाले की बातें मानने के लिए की बजाय आमने सामने अगर आप बातें करेंगे और डिटर्मिनेशन के साथ, डिटर्मिंड बंदे की तरह करेज, हिम्मत और साहस के साथ आगे बढ़ेंगे, तो जो भी आप सोचते हैं, जो भी आप समझते हैं, जो भी आपको चाहिए, वो आपका विश पूरी होगी और चीज़ें जैसा आप चाह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग होंगी। और जो बजाय के एंजाइटी, स्ट्रेस और प्रॉब्लम में रहने के, इसका हल और सॉल्यूशन ढूंढेंगे, तो इस जो इनसोमिनिया जैसी प्रॉब्लम आपको हो चुकी है उससे आप बाहर निकल पाएंगे, इस एंजाइटी स्ट्रेस से बाहर निकल पाएंगे। तो आपको इन चीज़ों से बाहर निकलना है, तभी आपको रीयूनियन करना है, या फिर डाइवोर्स चाहिए तो उसमें आपको हार नहीं माननी है, आपको आगे बढ़ना है। जैसा आप चाहेंगे आप वैसा कर पाएंगे, लेकिन इसमें अभी आपको परिवार, फैमिली का भी सपोर्ट मिलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो इन चीज़ों से आपको अपना स्ट्रॉन्ग बनना है, मजबूत बनना है, किसी बाहर वाले की बातें मानने की आपस में डिस्कस करना है, ताकि जैसा आप दोनों चाहें वैसा आपको रिजल्ट मिल सके।
तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलने से मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।